नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, अगर आज आपकी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों यह पेपर विंडो पेपर है और कन्फर्म आज यही पेपर आने वाला है। अब काफ़ी बच्चों सोच रहे होंगे सर ये पेपर कैसे आएगा, काफ़ी बच्चे गलत कमेंट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, अच्छी बात है, लेकिन 5-7 मिनट का टाइम निकाल के एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हमने अब तक पेपरों का एनालिसिस कराया है, सभी में हमारे जो क्वेश्चन बता रहे हो पूरे आ रहे हैं और आज भी कन्फर्म ये पेपर आने वाला है। तो दोस्तों, ये पेपर आपका मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था वही पेपर है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अभी काफ़ी बच्चों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अभी आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, साथ ही ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके देख सकते हो, वहाँ पर हम ये PDF फाइल अवेलेबल करा देंगे। साथ ही वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं, जो उनमें काफ़ी बच्चे रोज़ एग्ज़ाम देके आते हैं, फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि आज इस पेपर से इतने क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब नहीं स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करते हो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, और आपका पहला क्वेश्चन है, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा वस्तु के सामने। ये दोस्तों आपका वर्कशॉप साइंस का पेपर है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, ये सेकेंड ईयर का पेपर है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो दोस्तों, वो करते हैं आपकी संपर्क सरफेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्नेक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लूप छेद तेल छाप है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्पेलेस फील्ड प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 4.8 kg। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्यामिति आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, चक्कर का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा व्यास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 7.85 सेमी। अगला क्वेश्चन है, मान क्या है अगर 1/am है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा a-m। अगला क्वेश्चन है, a+b² - a-b² के बराबर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा आपका c यानी 4ab। अगला क्वेश्चन है, ab का मान ज्ञात कीजिए यदि a+b² = 36 a-b² = 24 है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 3 यानी c। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को कहते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा b यानी विकृति। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा सुरक्षा गुणांक। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के लिए विभिन्न चरण क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हीटिंग, शॉकिंग और क्वेचिंग। अगला क्वेश्चन है, लाभ क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सी यानी NC दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि ₹5,000 जमा किया गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 5,000 है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 5,500 यानी बी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मूल्य सूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुमान के तहत क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा सी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।